खुदा की प्रेजेंस हर एक जगह पर है। हालेलुया, हम अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे घरों में खुदा की प्रेजेंस है। हालेलुया, अगर हम खुदा का बंदा दाऊद कहता अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर मैं पाताल में चला जाऊं तो फिर भी तू वहां पर भी है। हालेलुया, खुदा की प्रेजेंस को हमेशा अपने साथ रखें, उसकी नॉइंटी को हमेशा, और ये खुदा से मांगा करें, खुदा से कहा करें, अंदर जाते बाहर जाते खुदा का पाप भरे का लहू अपने बदनों पर मांगा करें। हालेलुया, हम सब मिलकर एक और गीत गाएंगे, जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। ये हम सबको आता है, सब ताली बजाकर आइए अपने कदमों पर खड़े होकर भरी रहे, उसके नाम को जलाल देते।
आइए इसी मसा में अपने सरों को झुकाए रखेंगे और एक दुआ करेंगे। जमात में से आजादी है, जिसको खुदा का रूह पा रहा है वो दुआ में रहनुमाई कर। ग्लोरी ग्लोरी बहनों में से बहुत सारी बहने हैं यहाँ पर, बहुत सारी रिकावटें आएंगी मेरी बहनों, बहुत सारी रिकावटें आएंगी, लेकिन आपने अल्लाह ने जंग करना है और उसे कुचलना है जो आपके होठों को बोलने से रोकता है, वो रिकावट बना हुआ है। और दलेरी पकड़िए, दलेरी से दुआ कीजिए। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। एक गीत कहेंगे अनिशा के साथ मिलकर, जो भी आखिरी गीत होगा उसके बाद ठीक है, जो भी आपने तैयार किया दो तीन दिन से तैयार झुके पलायो दाया झुके पलायो दाया Thank you.
हालेलुया। कलाम खुदावन के अंदर लिखा है कि पत्रस ने जब यीशु मसीह को झील पर चलते हुए पानी पर चलते हुए देखा तो उसने भी बड़े ईमान के साथ कहा कि खुदावन मैं भी इस पानी पर चलना चाहता और खुदावन ने कहा कि तू आ मेरी तरफ। जैसे ही वो पानी पर चलना शुरू हुआ बड़े ईमान के साथ और जैसे उसके ईमान के अंदर थोड़ा सा शक पैदा हुआ वो पानी में डूबना शुरू और खुदावन ने अपना हाथ खड़ा कर उसे उस पानी में से निकाला। ऐसे ही हमारी भी जिंदगी में कभी कभी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, सामने परेशानी होती है, पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन जब हम ईमान में खड़े हो जाते हैं तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, लेकिन जब हम शक में पैदा हो जाते हैं तो फिर हम कभी भी उनको हटा नहीं पाते अपने सामने, फिर हमें उन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम यीशु पर भरोसा करते हैं हमारी आंखें उस पहाड़ों की तरफ, इसका पहाड़ों का मतलब है खुदा की तरफ, आसमान की तरफ हमारी आंखें लगी तो फिर खुदा हमारी मदद करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेस आइए अपने सरों को झुकाएंगे, कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे और खुदा की आत्मा से प्रकाश है दुआ में। सब पुकारे खुदा, जब हम खुदा के कलाम पर ध्यान रखते हैं क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को आनंद पाता है। आज कलाम पर तवज्जो कीजिए, अपने लबों को खोले, खुदावंद से कलाम मांगिए, कहें खुदावंद के कलाम मेरी जिंदगी के अंदर इत्मीनान लाए, तसल्ली लाए, हर तरह की वो डिस्टर्ब करने वाली रूहें यीशु के नाम से इस कलाम के वसीला से जाती है। कलाम में ताकत था, कलाम जो है वो इस जे ला तब्दील है, अब तक रहेगा। हालेलुया। सब लब खुल जाएं और खुदा से मांगिए क्योंकि हम खाली बर्तन हैं। आए बहरूबर के खालिक मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। यहोवा बाप खुदा, आपकी हजूरी में आए हैं, आपको दुनिया बाद कहते हैं, आप जो भला खुदा हैं, भलाई से पेश आते हैं, नहाय शुक्रगुजारी करते हैं लम्हात के लिए। यहोवा पाक खुदा, इस घराने के वसीला से हम खुदावंद जो के शुक्रगुजारी की इबादत रखने वाले हुए खुदावंद, हम आपकी हजूरी में झुके हुए हैं। आपने हमें दूर नजदीक से यहाँ पर जमा किया है। यहोवा पाक खुदा, हमने आपकी प्रस्तुति की है, ये हमारी कुर्बानी खूब बखूर की माने आपकी हजूरी में बहुत कबूल हो खुदा। अब हम खुदा कलाम सुनने को हैं, अपने खादों को सर से लेके पांव तक छू गहरा मसा तेरी पाक हजूरी को मांगती हूँ। यहोवा पाक खुदा, एक एक रूह बदन जान पर, हाय बाप हम खाली बर्तन है, आज हमें लबरेज कीजिए, इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी के अंदर ताकत आए, उम्मीद आए, बहाल हो जाए हम। यहोवा पाक खुदा, तेरी कसरत की बारिश को मांग लेती हूँ, जब तेरा खादम बोले बल्कि वो नहीं बोले, उसमें से खुदावन तेरा पाक रूह होकर बोलने वाला हो खुदा, तेरा आसमान तेरे खातिर के लिए खुल जाए, लबों का और होठों को खुदा छू और खुदा अल्फाज दे, ताकि खुदावन यहोवा पाक खुदा तेरा बंदा इस कलाम को जो है वो सुनाने वाला हो, गहरे मुकाशफात को खुदा तू खोल, ताकि हम सब के लिए रहनमाई का सबब हो। हमारी जिंदगी के अंदर कमी कमजोरी है, आज इस कलाम के वसीला से उसको हम पूरा करने वाले हों और तेरी शासोई को मांगने वाले हों। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हमें छूए और बड़ी बरकत दें, आए खुदावंद हमें हिकमत और नराई और खुद की रूह अता करें, ताकि हमारा ध्यान जो है खुदा तेरे कलाम पर हो। खुदावंद हमें छूए, खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दीजिए, यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम आप सबों को खुदा की हुजूरी में वेलकम करता हूँ। बिहाफ ऑफ
सीमा और उसके सारे घराना की तरफ से जितने दूरों नजदीक से अपने भाई यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं आप सबों को वेलकम करता हूँ। खुदा आप सबको बरकत दे, आप इनकी इस बरकत के लिए जब खुदावन के हुजूर इन्होंने ये शुक्रगुजारी की दुआ रखी है तो अपने कीमती टाइम को आपने निकाला है ताकि हम सब मिलकर इस घराना के लिए बरकत का बारिश खुदावन आप सबको भी बरकत दे और खुदा की मर्जी को पूरा करने का आप सबको अवसर बनाए। मेरे साथ बताइएगा कलाम खुदावन से पहला तिमोथियुस पौलुस रसूल का खत, तिमोथियुस की कलीसिया के नाम निकालिए जी। किस किस के पास बाइबल है? बहुत कम है। मोबाइल के पास के अंदर होगी आप सबके पास मोबाइल भी है, बड़े बड़े पता सबके पास, तो उसके अंदर आप मोबाइल को डाउनलोड किया, बाइबल को डाउनलोड कीजिए। बहुत सारी पढ़ सकती है और ऑडियो बाइबल भी अवेलेबल है उसके अंदर। अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो ऑडियो बाइबल को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपकी बरकत है। मत शर्माए, पौलुस कहता है मैं अंजील से शर्माता नहीं। रोमियो के खत में लिखा है पौलुस शर्माता है, अंजील से शर्माता नहीं। लेकिन हम क्यों शर्माते हैं? खुदा के गुलाम से क्यों शर्माते हैं? सोचिए और कीजिए। छठा बाब और उसकी प्यारी आयत निकाल लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है अगर ऐ मर्द खुदा तुम उन बातों से भाग और रास्तबाजी दीनदारी ईमान मोहब्बत सबर और ईमान की अच्छी उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लेगा जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत सी दुआ के सामने अच्छा इकरार किया था। मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पेंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था वह करके मुझे ताकीद करता हूं कि हमारे खुदावन यीशु मसीह के उस राहुल हुक्म को बेदाग और बेअल्फाम जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं, जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहेगी। कलाम खुदा का पढ़ा सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस कर खुदा उनका आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अलाकी नसीहतें, यानी खुदावन की तरफ से जो नसीहत खुदा के कलाम में दी गई है उसको आज हम सीखने को हैं। और उसका जो मैंने अनुमान करना है टॉपिक का वो है रूहानी जिंदगी की नशोनुमा के लिए खुदा के कलाम की रोशनी में तरबियत या नसीहत, तरबियत या नसीहत। फिर सुनिए, रूहानी जिंदगी की नशोनुमा के लिए जो हम परवरिश पा रहे, जो हम जिंदगी गुजार रहे, उसकी तरबियत खुदा के कलाम की रोशनी है।
आज जो हमारा मजमून है हम इस पर बात करें। मेरे शिशु, जब हमने छठे बाप की 11वीं आयत को पढ़ा तो वहां पर लिखा है, मगर ऐ मर्द खुदा तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग। वो कौन सी बातें हैं, सोचनी है हमने और रिस्पॉन्ड करना है, मुझे बताना है कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें भागना चाहिए, दूर होना चाहिए, हमें तर्क करना चाहिए अपनी जिंदगी में से। कोई एक एक जेन में आप लोगों ने सोचनी है, कोई भी बात जो भी खुदा का वाक्य आपको बाय चाहिए। तो अगर हम एक बात पर भी आज अमल करके यहाँ से चले जाएंगे तो हम सोचे कि हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा, हमारी जिंदगी खुदा के जलाल के लिए वो नूर बन जाएगी और खुदा आपको बरकत देगा। वो कौन सी चीज है जी, बारी बारी आप एक एक बात शॉर्टली सिर्फ बताना है कि कौन सी बात से हमें भागने की जरूरत है, वो कौन सी चीजें हैं जो खुदा के अंगेज हैं, वो कौन सी बातें हैं जिनसे हमें किनारा कशी करने की जरूरत है, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से काम हैं जिनसे हमें आजादी की जरूरत है, रहाई की जरूरत है, भागने की जरूरत है, उससे बचने की जरूरत है, वो कौन कौन सी चीजें, वो कौन कौन से काम, वो कौन कौन सी बातें हैं। बहुत सारी बेशुमार बातें और हम सब जानते हैं कि कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमारे और खुदा के दरमियान जुदाई का सबब बनी है। और हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी बैड स्पिरिट काम करती हैं, ख्वाहिशात आती हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती है। जी प्लीज बोलिएगा, बारी बार जल्दी से बोलिएगा, टाइम को वेस्ट किए शॉर्टली बात करेंगे हम। जी प्लीज कोई भी बहन बताए जल्दी से कोई बात। गुनाह, झूठ, बुत परस्ती, लालच। गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, वेल डन। जी और प्लीज, ओ ग्रेट जी, शाबाश शाबाश, जल्दी से। बहुत सारी बहनें बैठी हैं, बोलिए बोलिए, मत शर्माए। अगर वो बात आप बोलेगी तो आपकी जिंदगी में समझे कि काम हो चुका है, आप उससे फिर बच जाएंगी और आने वाले वक्त में वो बात आपकी जिंदगी, वो काम आपकी जिंदगी से निकल जाएगा और खुदा आपकी जिंदगी को संभालेगा, कुव्वत देगा, जोर देगा, वो आपके आपकी घर को, घराना को, आपकी जिंदगी को प्रोटेक्शन देगा रूह कुदस की कुदरत से। जी जी जी, जल्दी से प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत सारी ऐसी बात, शाबाश जी जी। खुदा की मर्जी क्या है कि हम अच्छे काम करें, बुरे काम कितने हैं उसकी लिस्ट बनाएं अपने घर में, अपने जेहन में सोचें कितने बुरे काम हैं, कितनी बुरी बातें हैं जो हम दिन भर बहुत सारे ऐसा वक्त को जाया करते हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट बनेगी, पेजेस भर जाएंगे। सोचिए और कीजिए, जिस शिकंजे के अंदर उसने हमें छकड़ रखा है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी सोचें हमारे सेहन के अंदर वो डाल, ताकि हम वो बरकतें जो खुदा ने हमारे लिए रखी है, जमीन की हर एक चीज आपके लिए, आपकी बरकत के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके घराना के लिए, लेकिन हम उनसे इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम उन्हें रिसीव नहीं कर रहे, रिकावटे हैं, बंधन है, चुए हैं। दीनदारी की रियासत,
बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नोट की, आज बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था इस पर, इस रेफरेंस को खुदा खुदा ने मुझे कहा आज ये वाला जो है पैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, इस पे आपने कराना, क्योंकि खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है, कौन सी हमारी जिंदगी के अंदर कमी। तो आज खुदा ये चाह रहा था कि वो कमी दूर हो, हम जान सकें, हम समझ सकें कि हमारे अंदर कौन सी वो बातें हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती है, वो कौन से काम हैं जो खुदा और हमारे दरमियान जुदाई का सबब है। मेरे अज़ीज़ो इश्माल ऐसे रवैये, अब रवैये पे बात कर लें, ज्यादा मैं कभी नहीं देता बातें, मतलब एक पॉइंट पर ही बात करें तो शायद घंटों घंटे मैं इधर बोलता रहूं। हम अपने रवैयों पर गौर करें, हमारे रवैये के खानदानी तौर पर, बच्चों के साथ, कलीसियाई तौर पर, या मुल्क के कवानीन है बहुत सारे उनके साथ हमारे रवैये क्या, उन अदारों के साथ जहां पर हम जॉब करते हैं वहां पर हमारे रवैये, क्यों हमें उन नौकरियों से निकाल दिया जाता है, इस उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, ये रवैये नाराजगी का स्वाब बनते हैं, चुराई का स्वाब, और लोगों के अंदर जो है हम अच्छा जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते उनकी तवक्कुआत के मुताबिक, बेशक हम किसी की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं पूरा कर सकते, लेकिन हम खुदा के कलाम के मुताबिक तो पूरा कर सकते हैं, जब खुदा के कलाम की मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगी, खानदानी जिंदगी, कलीसियाई जिंदगी और हमारे इर्द गिर्द के पड़ोसियों में जिंदगी, मोहल्ले की जिंदगी, या जहां पर हम वर्क प्लेस पे काम करते हैं वहां की जिंदगी हम खुदा के कलाम के ताबे रहकर गुजारेंगे, यकीनन खुदा के वादे सच्चे हैं और खुदा वो जगह, वो लोग, वो चीजें सब हमें प्रोवाइड कर देगा, वो हमारे हैंड ओवर कर देगा और उन पर हमें सरफराजी देगा। इंसान की किताब में एक रेफरेंस है कि जो अकलमंद है ना वो बला को देकर नहीं कि गोली आ रही है ऐसे अजकेरने नहीं खुदा को अजमायश डाल दो, हमें सेफ होने की, हमें वो रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है जो हमारी सेफ्टी का है, जिसमें हमारी सेफ्टी खुदा फिर हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन अगर हम खुदा को आजमाइश में डालेंगे तो फिर हम कलाम की नफी कर रहे हैं। आज सोचना है और कर लिखा है कि उन बातों से भाग और जिन बातों को अपनाना है वो यहाँ पर इस रेफरेंस के अंदर छह बातें बयान की गई, जिनको पालू ससुर कहता है कि हमारी जिंदगी में ये बातें होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी बातें हैं, लिखे रास्तबाजी, नंबर वन क्या रास्तबाजी, दूसरी बात दीनदारी, तीसरी बात ईमान, चौथी बात मोहब्बत, पांचवी है सबर और हिलम, छठी हिलम, और लिखा है सबर और हिलम का तालिब हो, यानी कि इन चीजों को तू हासिल कर, इनकी तलाश कर, इनका मतलाशी हो, इन्हें रिसर्च कर। मैंने शुरू में बोला मोबाइल हम सबके पास अच्छी डिवाइस है, उसने हमारी बेहतरी के लिए, जिसने इसको बनाया है हमारी बेहतरी के लिए बनाया है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से यूज करें, इसमें रास्तबाजी के कामों को तलाश करें, उसकी रिसर्च करें, इसमें बहुत सारी ऐसी मोहब्बत की स्टोरी आपको मिलेगी। अरे यीशु मसीह से बढ़कर और मोहब्बत की स्टोरी कौन सी हो सकती है, आपको उसी डिवाइस में से मिलेगी, आपको रिटर्न भी मिलेगी, आपको आर्टियो में भी मिलेगी, आप जिस
طرح سے کہیں گے آپ کو شاعری میں بھی ملے گی, آپ کو کہانی کی صورت میں بھی ملے گی. اس کی ریسرچ کیجیے, آپ کا ایمان ترقی کرے, آپ پڑھے سرفرازی پائے. اور ایک بات میں دیکھ رہا تھا صبر اور حلم کے تعلق سے, جب میں اس کو دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا تو اس کے اوپر تھوڑا میں نے لکھا غور کیا, میرے سے جو صبر اور حلم کے بارے میں لکھا تھا, یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں. اگر ہمارا کوئی ستانے والا ہے, ہمیں دکھ پہنچانے والا ہے, ہمیں پریشان دیکھنا چاہتا ہے, ہمیں کوئی بار بار گالیاں دیتا ہے, ہمیں گھر کے اندر کوئی مار پیٹ کرتا ہے, یا اس طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں, پر ہمارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت موجود ہے, ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسا رسپونڈ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہے. وہی لمحات ہوتے ہیں ہمارے امتحان کے, اور ہم نے اس میں صبر کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے, صبر سے کام لینا ہے, اور اپنی جنگ جو ہے, اپنی جو حالات ہیں ان کو اپنے خدا کے سپرد کرنا ہے. خدا آپ کی جنگ لڑے گا, خدا ان مخالفین کے منہوں کو بند کرے گا اور آپ کو فتح سے بڑھ کر گھر پا دے گا. اور صبر کے اور حلم کے تعلق سے جب میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ساری باتیں مجھے ملی, اور اس میں لکھا تھا کہ کوئی ناخوشگوار باتوں کو باتیں آپ سے کر رہا ہے, اور آپ اس کو برداشت کر رہے ہیں, آپ اسے برداشت کر رہے ہیں, آپ اس میں صبر کا کام لے رہے ہیں, صبر سے کام لے رہے ہیں. اور پھر بدلے کے تعلق سے میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے کہ بدلہ نہیں غصہ جو آ جاتا ہے ہمیں بار بار, غصے کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے غصہ تو کرو بٹ گناہ نہ کرو. ہم نے گناہ نہیں کرنا, غصہ کر لینا ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جیسے بچوں کے ساتھ کلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم انہیں چھڑی کے ساتھ اس چھڑی کو استعمال کر سکتے ہیں ان کی تربیت کے لیے, اور چھڑی تب ہی استعمال ہوتی ہے جب غصہ آتا ہے. لیکن ماں باپ اتنا اس سے بڑھ کر پھر ان سے محبت بھی کرتی, تو ہم نے غصہ کرنا ہے لیکن وہ اس کے اندر جو ہے ہم نے گناہ نہیں کرنا. اس کا ٹائم لیمٹ بائبل بیان کرتی کہ کتنا وقت ہونا چاہیے غصے, صبح سے شام تک, اس سے بڑھنا نہیں چاہیے. اگر میاں بیوی کی کوئی ایسی چپلس چل رہی ہے, ناراضگی ہے, تو یہ نہیں کہ وہ مہینوں پر چلی جائے, دنوں پر چلی جائے. نو, بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ صبح سے شام تک اس کو ختم ہونا چاہیے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ایسا ہوتا بھی ہے ہمارا رویہ, تو اس کی بائبل ہمیں اجازت دیتی ہے, لیکن شام تک اس غصے کو ہم نے اپنی زندگی میں سے نکالنا ہو. یہ خدا کا کلام ہمیں نصیحت کرتا ہے, تربیت دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ریلیشن کو ڈیویلپ کرنا ہے, ریلیشن کو, اپنے رشتے کو ڈیویلپ کرنا ہے. نکالیے سکور 95, اس میں داؤد اس طرح اس کا ریلیشن اپنے خدا کے ساتھ رکھتا ہے اور اس کا بیان کرتا ہے. نو 91
91 के अंदर सुपुर 91 के अंदर वो बयान करता है कि मैं खुदाउन के बारे में कहूंगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो कह रहे मैं खुदाउन के बारे में कहूंगा कि वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। आगे फिर वो रिलेशन की बात कर रहा है, उसका ऐलान कर रहा है, कह रहा है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। वो रिलेशन की बात कर रहा है, कह रहा है वो मेरा बाप है, वो रिश्ते की बात कर रहा है। तो हमें उस रिलेशन को डेवलप करना, उस रिलेशन में हमने कायम होना है, उस रिश्ते को बहाल करना। और जब हमारा रिश्ता हमारे खुदा के साथ बहाल होगा, जब हमें इस बात की पहचान हो जाएगी कि हमारा खुदा के साथ क्या रिश्ता है, तो फिर हमारे अंदर एक दलेरी आ जाएगी। हम जो कुछ करेंगे, जो बात करेंगे, हम दलेरी के साथ अपने बाप के साथ करेंगे कि ऐ बाप तू मेरा बाप है। जैसे दाऊद कहते हैं कि वो मेरा बाप है, दाऊद क्या कह रहे हैं कि वो मेरा बाप है। वो रिलेशन की बात कर रहा है। फिर जब हम अपने बाप से बात करेंगे तो फिर हम भी ये कहेंगे वो मेरा बाप है। और मैं अपने बाप से बात करूंगा जब मुश्किल में होऊंगा, जब किसी जगह पर कोई हमारे मुखालिफ होंगे, और मैं चाहूंगा कि मेरी जंग मेरा बाप लड़े, मेरी रहनुमाई उसका बाप कबूल करे, तो मैं वहां पर मेरे पास एक बेहतरीन मौका होगा कि मैं वहां पर उसकी गवाही दूं कि मैं अपने बाप से बात करूंगा। मेरा बाप जो है उसके वादे सच्चे हैं, वो मुझे फतह से बढ़कर करवा देगा। और मैं अपने बाप से बात करूंगा, वो मेरी रहनुमाई के लिए अपने फरिश्तों को भेज देगा, मेरी मदद के लिए अपने फरिश्तों को भेज देगा, और मैं इन हालात पर काबू पा जाऊंगा, मैं इन हालात पर फतह पा जाऊंगा। आप यूसुफ की कहानी कभी पढ़कर देखना वलेश की किताब के अंदर, कि किस तरह से उसका रिलेशन अपने बाप के साथ मजबूत था। और वो खरीद कर उसे लेकर गए मिस्र के अंदर, और वहां पर खुदा ने कितना उसे सरफराज किया। और क्यों किया? कि उसने उस रिलेशन में रिलेशन को डेवलप किया, और उस रिलेशन के अंदर वो कायम रहा, वो उस रिश्ते को जान चुका था, और उसमें वो कायम रहा, साबित कदम रहा। वो आज हमें भी अपने बाप के साथ रिलेशन कायम करें। इसके साथ एक बात हिस्ट्री रेफरेंस के अंदर लिखा है कि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ये दीनदारी जो है, ये उसी बात को हमें सिखा रहा है कि दीनदारी में हम रियासत करेंगे तो अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। इसके लिए निकालिए जी खुदा के कलाम में से पहला तिमोथियुस उसका पहला बाब 18वीं आयत को निकालिए। वहां पर पालू ससुर क्या नसीहत कर रहे हैं। हाँ जी, आयत में लिखा है फर्जन तिमोथियुस उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई, जो पहले तेरी बाबत की गई थी जब वो इफिसस की कलीसिया में खिदमत कर रहा है। वहां पर बड़े मुश्किल हालात है, बड़ी बुत परस्ती है, बड़ी जादूगिरी है, बहुत सारी मुखालिफ रूहें काम कर रही हैं, और वहां पर पौलुस रसूल अपने शिगिर्द को जो है ये खत लिख रहा है, समझा रहा है, तरबियत कर रहा है उसकी, कि जो बातें मैंने पहले तुझे नसीहत की थी, पेशनगोईयां तेरे बारे में की थी कि ये मुश्किल तेरे सामने आ सकती। जब खुदा के खादिम आप लोगों के साथ कलाम करते हैं तो वो आने वाले फ्यूचर के हालात को बयान करते हैं कि आने वाले दिन बड़े मुश्किल हो सकते हैं, बड़े कठिन हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी खानदानों के अंदर, मुल्क के अंदर बहुत सारे ऐसे हालात बैड हो जाएंगे, लोग मुश्किल के अंदर जिंदगी बसर करेंगे, लोगों की जॉब चली जाएगी। आप देखिए कोरोना के अंदर क्या सिचुएशन थी। तो यही इसी तरह आपके शिगिर्द को पौलुस रसूल तालीम दे रहा है, बता रहा है, गाइड कर रहा है कि जो पेशनगोईयां तेरे लिए हुई थी उनको याद, उसके मुताबिक जो है आपने
कुश्ती लड़नी है। आगे लिखा है कि हुक्म तेरे सपोर्ट करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़े लड़ता रहे, अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। ये लड़ाई वो हथियारों वाली लड़ाई नहीं है कि उसके पास कोई गन हो, उसके पास कोई तलवार हो और वो लोगों पर चलाता हो। दो, ये ईमान की लड़ाई है और वो लड़ाई रूहानी तौर पर लड़ी जाती है, दुआ के साथ, रोता के साथ, कलाम को पढ़ने के साथ, दीनदारी की रियासत करने के साथ, खुदा के हजूर झुकने के साथ, अपना आप उसके हजूर फेस करना, पेश करना, उसकी तरफ अपना रुख मोड़ लेना, उसके साथ साबित कदम रहना, उस ईमान में मजबूत रहना, कायम रहना। हालात जैसे भी हों, मुश्किलात सामने होंगी, तकालीफ सामने होंगी, सताने वाले बहुत सारे होंगे, लेकिन वो साबित कदम रहना, ईमान में मजबूत रहना, ना दाएं ना बाएं कहीं, खुदा की मर्जी के ताबे रहना, खुदा की मर्जी को पूरा करना। और यकीनन जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे तो खुदा हमें फतह देगा, खुदा हमें संभालेगा, खुदा हमें एक नया जोर बख्शेगा, एक नई तहरीर देगा, हमारे ज़हनों हमारे सोचों को बदल कर रख देगा और वो मनफी बातें, वो नेगेटिव सोचों को निकाल कर पॉजिटिव सोचों को अंधेर देगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वो हमारे पत्थर दिल को तब्दील करने की कुदरत रखता है, वो इस सख्त दिल को गोश्तीन दिल में बदल देता है ताकि उसका कलाम उस पर नक्श हो। आज हमें इस तरह से बनने की जरूरत, ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत। फिर गौर कीजिए, तो उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता लड़ता रहे, यानी क्या कि स्टॉप हो जा, कि तू एक बार लड़ रही है बस फिनिश, नो, लड़ता रहे, जारी है, ठीक है। तेनू कह रहा टेंस की मैंने प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जारी रहता है, वो रुकता नहीं। ट्रेन यहां से चली नॉन स्टॉप, वो चलती रही चलती रही चलती रही। तो इसको रोकना नहीं, इस ईमान की लड़ाई को लड़ते रहना है, इस पे दौड़ते रहना, अच्छी कुश्ती लड़नी है। और फिर लिखा है जिसको और ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहे। नीयत का बड़ा रोल है, सारी नीयत बहुत जल्दी नाल बदल जाती है ना, उस नीयत को उस नीयत में कायम रहना। जब नीयत बदल जाती है, शामी ऐसी नीयत पहले नीयत की कि शामी ऐसी ना रोजा रखना है, तो फिर नीयत ने कहा नो, किसी ने आकर चुंबड़ लाती है, कहा नहीं नहीं नीयत बदल गई, ऐसी क्या नो हमने नहीं कहा, हमने किसी के साथ भलाई कर ली, हाँ मैंने मैं फलां को नाराज किया था, मैं उसके घर में जाऊंगा, उसके साथ सुलह करूंगा, उसके साथ बातचीत करूंगा, और थोड़ी देर बाद किसी ने आकर उस सारी चीज को वॉश कर हमारे जहन को बदल दिया, नीयत को बदल दी। नहीं, उसमें साबित कदम रहना, उसमें कायम रहना और खुदा उसका आचर देगा। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, हाँ जी, बहुत सारी बातें, इतनी ज्यादा बातें मेरे पास लिखी हुई जो आपकी तरबियत और हम वो वाला काम नहीं करेंगे जिस तरह से आदमी करते हैं। देखिए कलाम जो है, सबसे पहले कलाम 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 में आपकी हयात, आपकी जिंदगी, इधर उधर की बातें नहीं है। हम कलाम के अंदर रहकर कलाम की रोशनी में बात करते हैं, हम अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अपने तौर पर करेंगे तो फिर हम बोंगियां मारेंगे, इधर उधर दिया गल्ला ही सुनाते रहेंगे।
ठीक है, कलाम जो है आपको बदल जाए, कलाम सुना करे, कलाम की बातें सीखा करे, कलाम पर तवज्जो किया करे। कलाम एक वाहिद जरिया है आपकी जिंदगी के अंदर जो है तारीकी पर वाले खाने के लिए, और वो आपकी सोच को, आपकी नीयत को अगर आप लिफ्ट अप करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो कलाम पढ़ा करे, कलाम को सुना करे, कलाम पर अमल किया करे, अच्छी कुश्ती लड़ा। फिर हमने इसी रेफरेंस के अंदर एक आखिरी बात करूंगा और उसके बाद बल्कि दो बातें करेंगे जिसमें यीशु मसीह की गवाही के ताल्लुक से यहाँ पर एक बात की है कि उसने एक अच्छा इकरार किया है, किसके सामने, अपने दुश्मन के सामने, जिसकी अदालत के सामने उसको पेश किया गया, और उसने वहां पर कोई ऐसा आंसर नहीं किया कि मैं, जैसे हम अपने बचने के लिए एक कोई इधर उधर की बातें छोड़ के भी जज दी जरा ना फेवर लेने के लिए हम चाहते हैं कि वो हमारी फेवर में वो उस केस को कर। नो, कलाम हमें ये नसीहत करता है कि सच्चाई पर आप लोगों ने काम करना है, सच्चाई से वाकिफ, सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई आपके मुंह पे, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो फिर बाहर भी सच्चाई निकलेगी, अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं तो उसका हमारे होंठों से, हमारी बातों से भी फिर सच्चाई आउट नहीं होगी, वो बातें सच्चाई की नहीं होंगी। अगर अंदर सच्चाई है और सच्चाई खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है जो हमारे लिए मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से महमूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारी मखलसी के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी रहाई के लिए, हमारी बरकत के लिए, वो हमेशा की जिंदगी के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी तारीकी के लिए, हमारी मौत के लिए वो बलिदान हुआ। अगर वो हमारे अंदर होगा तो फिर अंदर से सच्चाई निकलेगी, और उसने अपने दुश्मन के सामने, उस सदर अदालत के सामने जो है उस सच्चाई को बयान किया। आइए निकालिए लूका 22 बाब को निकालिए, 22 बाब की 69 आयत सुनिए, क्या जवाब पिलातुस को उसने क्या जवाब दिया। लेकिन अब से इब्ने आदम कादर मुतलक खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा, कादर मुतलक खुदा की तरफ दाहिनी तरफ बैठा रहेगा, पहले से ही बयान कर दिया अदालत में जी। उस पर उन सब ने कहा, उन सब ने कहा जो अदालत के लोग थे, उन सब ने कहा, क्या कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है, क्या तू खुदा का बेटा है। उसने उनसे कहा, उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो क्योंकि मैं हूँ। उसने कहा मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में मूसा ने कहा, खुदावन जब मैं फिरौन के पास जाऊं तो मैं उसको क्या बताऊं, तेरा नाम क्या है। उसने कहा मैं हूं सो हूं, ये वही है, ये वही कादरे मुतले खुदा है, और उसने वहां पर वही दी है, मैं हूं उसका बेटा। उसने इनकार नहीं किया कि इसी लिए तो मुझे अदालत में पेश किया गया है कि मैं क्यों खुदा का बेटा अपने आप को कहलाता हूं। उसने कहा मैं हूं खुदा का बेटा। सोचिए, गौर कीजिए, आखिरी 16वीं आयत इसकी निकालिए, छठे बाप की आखिरी बात करूंगा, 16वीं आयत पहला तिमोथी 16 बाप बाकी यहाँ पर लिखा है, छठे बाप की 16 आयत में, बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना फिर इंसान देखा और ना देख सकता है,
उसकी इज्जत सल्तनत अब तक रहेगी। आमीन। निकाह बका बका का क्या मतलब है? हाँ जी, बका का मतलब साबित कदम रहना, मजबूत रहना, हमेशा की जिंदगी, अयाद, बका का मतलब। और बका जो है ये फना के बाद होती है। फना क्या होता है? ये जो बदन है ये फानी है, ये मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो इसके अंदर है रूह, वो खत्म नहीं होगी, वो खुदा के हुजूर जाएगी। आप बीज बोते हैं, आप बीज बोते हैं, फिर आप सबर करते हैं, सबर करते हैं कुछ दिन के, और फिर उसमें से एक तिनका निकलता है और फिर वो बराबर होता है। तो ऐसे ही जब हम फना हो जाते हैं, जब हम इस जहां फानी को छोड़ देते हैं, इस जहां फानी से चले जाते हैं, अगर तो हम खुदा के साथ साबित कदम रहे हैं, अगर तो हम खुदा के साथ मजबूत ईमान के साथ रहे हैं, अगर तो हमारी जिंदगी के अंदर ये छह चीजें जिनका हमने जिक्र किया है, रास्तबाजी है, ईमान है, मोहब्बत है, और सब्र है, और हिलन है, हम इन पर पूरे तौर पर चलते हैं। दीनदारी है, छठी बात दीनदारी है, हम इस पर पूरा साबित कदम रहे हैं, जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा, फिर वो पौधा बराबर हो फलदार साबित। कुछ दिन पहले मैं बात एक कर रहा था, मैंने कहा हमारा इस जमीन पर जिंदगी को गुजारना, लंबी जिंदगी, वो साढ़े जी अब्बे ने 100 साल उम्र पाली, साढ़े दादे ने 150 साल उम्र पाली, साड़ी अम्मा ने इन्ने साल उम्र पाली। अरे इतनी उम्र पा तो ली, हम खुदावन की शुक्र गुजारी करते हैं, लेकिन जब उसने ये उम्र पाई तो वो इस रूहे जमीन पर उसकी याद, खुदा की याद क्या छोड़ कर गई?